बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया में प्लूरल्स पार्टी ने की बैठक, कहा मजबूती के साथ गांव-गांव जाकर करेंगे जनसंपर्क। नवगछिया के नया टोला में बिहार के नए उभरते राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। मौके पर भागलपुर जिला प्रभारी अमित आलोक ने कहा कि उनकी राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स पार्टी बिहार में मजबूती के साथ आएगी, जिसके लिए भागलपुर जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायत में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। कार्यक्रम में दर्जनों प्लूरल्स पार्टी नौगछिया के कार्यकर्ता मास्क व सामाजिक दूरी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो लंदन से पढ़कर आई हैं। इसके बाद बिहार की दयनीय स्थिति पर लगातार उनका शोध हो रहा है। बिहार की स्थिति और बदहाली को बदलने के लिए उनके द्वारा 8 मार्च को पार्टी का गठन किया गया है, जिसके बाद लगातार बिहार के सभी जिले के विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अमित आलोक है। मैं भागलपुर का प्लूरल्स पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। प्लूरल्स एक राजनीतिक पार्टी है, जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। 8 मार्च को इस पार्टी का गठन हुआ था। पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं इस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और सीएम कैंडिडेट हैं। और अभी जो है हम लोग पार्टी के गठन के बाद अपना एक कैडर तैयार कर रहे हैं। हर एक विधानसभा में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में, हर एक बूथ पे जो है हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रहे हैं। एम एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि हम लोग बिहार आज जो सबसे पिछड़ा राज्य है भारत का, अगले 5 साल में इसको भारत में सबसे आगे लेके आना है और अगले 10 साल में इसको विश्व में सबसे आगे लेके आना है। जिसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम कितने ज़्यादा रोजगार के अवसर जो है बना सकें। तो पार्टी का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, जो उद्देश्य है वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है, कि हमें रोजगार के अनगिनत अवसर जो है उत्पन्न करने हैं और जिससे कि हर किसी को के घर में कमाई हो। पार्टी की प्रेसिडेंट बहुत ही है। अभी हम पुष्पम प्रिया मैम जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हर एक जगह का मुआयना किया है। हम लोग रंगरा चौक, इस्माइलपुर, नौगछिया के विभिन्न इलाके जो बाढ़ में डूबे रहते हैं, जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है, जहाँ पे लोग भूखे रह रहे हैं, एक चूड़ा और चिन्नी के नौ पैकेट पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका एक्सपेक्टेशन है कि मालिक बस पॉलीथीन मिल जाता जिसके नीचे वो जी पाते हैं, तो बहुत ही दर्दनाक अमानवीय स्थिति है। और पार्टी का ये मानना है कि ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं हैं। दुनिया ने और बाकी राज्यों ने इन समस्याओं को बहुत पहले ही फिक्स कर लिया है और इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से एक सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ जो है हम लोग अगले 3 साल के अंदर फिक्स करेंगे। बिहार का बहुत सारा जगह ऐसा होगा जहाँ अगले साल से ही बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए जो मरम्मत चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम यूज़ करेंगे और अगले 3 से 4 साल में शायद बाढ़ जो है बिहार के किसी भी हिस्से को प्रभावित नहीं करेगा। उससे लेके एक अच्छी नीतियां हैं हमारे पास। भागलपुर मोक्षदा स्कूल के समीप एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में गई जान, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के मोक्षदा इंटर स्कूल के समीप एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में जान चली गई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक विनोद यादव बरारी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक विनोद यादव सेंटरिंग का काम कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। आप मारे, हम चलते आप मारे।
विनोद यादव कहाँ का रहने वाले बरारी क्या लगता है पापा है मेरे क्या लगता है मार दिया इसको हाँ मार दिया है सर वही भाग रहा है वो और नाम नहीं बताया है जिनका ये है वो भाग रहे हैं और नाम भी नहीं बताया है सर यही काम करते थे सर बिल्डिंग में हाँ ये इन्हीं बिल्डिंग में काम करते थे क्या काम करते थे ठेकेदार ही वाला काम करते थे सर किस तरह करते खिड़की गेट और शीशा उसे लगवाते थे सर हाँ सेंटरिंग का भी करते थे क्या नाम था विनोद यादव तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम त्रिशाल कुमार है हाँ पापा है मेरे घर कहाँ हुआ घर नवगछिया सीएम नीतीश कुमार के वर्चुअल निश्चय संवाद से जुड़ेंगे युवा जदयू कार्यकर्ता बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल जदयू का चुनावी अभियान का आगाज 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से होगा। नवगछिया युवा जदयू के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रजनीकांत राय ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के द्वारा वर्चुअल निश्चय संवाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। नीतीश कुमार के निश्चय संवाद को सफल बनाने के लिए युवा जदयू कार्यकर्ता जोर शोर से जुट गए हैं। जिला प्रवक्ता प्रशांत कुमार कन्हैया ने कहा कि युवा जदयू कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर पंचायत प्रखंड और जिला स्तर पर अपने अपने बूथ पर डिजिटल माध्यम से जुड़कर आम लोगों को निश्चय संवाद वर्चुअल रैली से रूबरू कराएंगे। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 68 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रा के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 68 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3400 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 6 वाहन से 6000 रुपये भी जुर्माना वसूल किया गया। गोपालपुर के कुणाल आनंद, इस्माइलपुर के मनी पासवान को थानाध्यक्ष की कमान। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने पुलिस जिले के गोपालपुर, इस्माइलपुर एवं नदी थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी को नए स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया है। गोपालपुर थानाध्यक्ष के रिक्त पद पर पुलिस निरीक्षक कुणाल आनंद चक्रवर्ती को थानाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। इस्माइलपुर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी अवर निरीक्षक मनी पासवान एवं नदी थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी अवर निरीक्षक मकबूल अहमद को दी गई है। इसके अलावा अवर निरीक्षक मेहताब खान को नवगछिया थाने के टेक्निकल सेल में प्रतिनियुक्त किया गया है। अवर निरीक्षक रमेश कुमार को बीहपुर थाना एवं अवर निरीक्षक नवीन कुमार को गोपालपुर थाना के अनुसंधान इकाई में प्रतिनियुक्त किया गया है। एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को 24 घंटे के अंदर अपने अपने थाने में योगदान देने का निर्देश दिया है। नवगछिया झंडापुर बगड़ी NH 31 पर बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। शनिवार की देर रात झंडापुर ओपी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर दयालपुर रेलवे ओवरब्रिज से 300 मीटर पश्चिम दिशा की और अज्ञात अपराधियों ने बेगूसराय SBI BRC ब्रांच में कार्यरत मधेपुरा निवासी सहायक शाखा प्रबंधक 50 वर्षीय अजंत कुमार चौधरी उर्फ केनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी। अजंत कुमार बेगूसराय से भागलपुर अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जानकारी मिली है कि अपराधियों ने अजंत चौधरी को पीठ पर बाईं तरफ से एक गोली मारी है। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है और परिजनों से पूछताछ भी की है। घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंचे परिजन ने शव की शिनाख्त की, तो दूसरी तरफ पुलिस ने रविवार को दोपहर तक शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना का कारण अभी भी अस्पष्ट है। मृतक की पत्नी डीजी देवी के बयान पर झंडापुर ओपी क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि मृतक का पैतृक आवास मधेपुरा जिले के रामनगर श्रीनगर गांव में है, तो दूसरी तरफ मृतक के पिता इंद्रकांत चौधरी मधेपुरा न्यायालय में लोक अभियोजक हैं और वे मधेपुरा शहर के जगजीवन पथ वार्ड संख्या 13 के निवासी हैं। परिजनों ने बताया कि मृतक अजंत चौधरी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भागलपुर के तिलकामाझी शीतला स्थान स्थित एक मकान में किराए पर रहते थे। मृतक के परिजनों का कहना है कि अजंत ज्यादातर बेगूसराय में ही रहते थे और प्रत्येक शनिवार को भागलपुर आते थे और फिर सोमवार को पुनः बेगूसराय चले जाते थे। वहीं नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया घटना को देखने से प्रतीत होता है कि अपराधियों ने ब्रांच मैनेजर को पीछे से दाएं तरफ गोली मारी है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है, परिजनों से पूछताछ जारी है। घटना का उद्भेदन कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या लगता है सर इस घटना से? घटना को देखने से, पीओ को देखने से, डेड बॉडी को देखने से तो यही लगता है कि कोई पीछा करके जो है गोली मारा है, क्योंकि इनका जो है सारा सामान इनके पास उपलब्ध है और चलती हुई मोटरसाइकिल पर ही गोली मारने का निशान मिल रहा है। कितना निशान मिला है सर गोली का अभी तक? जो बॉडी को देखने से लगा है एक ही निशान है जो बाएं तरफ
पीठ के तरफ से छेद दिखता है, गोली निकलने का निशान नहीं दिख रहा है आगे की तरफ से, तो अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग कि पीछे से ही किसी ने गोली मारा है। क्या पुरानी रंजिश का भी मामला हो सकता है या फिर चिंतई का? अभी परिवार के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, ये रहने वाले कहीं बाहर के थे, तिलका मांझी में रहते थे, तो अभी सभी लोगों से संपर्क करके हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई दुश्मनी है कि क्या है, ये देखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे लोकल कुछ संदिग्धों के ऊपर छापेमारी की, मतलब उसकी कुछ बातचीत हो रही है? कोई छापेमारी इसलिए नहीं कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में आ जाए कुछ मामला तो छापेमारी करेंगे, कि टू दी पॉइंट छापेमारी करने से ही सफलता मिलेगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888। उषा फर्नीचर गांधी चौक कलासन रोड चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303-67-167। बैंक मैनेजर हत्याकांड मर्डर का बेगूसराय से हो सकता है लिंक। बैंक मैनेजर अजंत कुमार चौधरी उर्फ केनेडी की हत्या का लिंक बेगूसराय, मधेपुरा या भागलपुर से भी हो सकता है। तीनों शहरों के कनेक्शन को ध्यान में रखकर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सबसे पहली प्राथमिकता बेगूसराय को दी जा रही है, क्योंकि अजंत ने पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक समय बेगूसराय में ही व्यतीत किया था। परिजनों के अनुसार अजंत 2 अगस्त 2017 से बेगूसराय में कार्यरत थे। बेगूसराय में अजंत कहां रहते थे, क्या बैंकिंग कार्य में किसी से मतभेद था या व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई मतभेद था, इन सब बातों का पुलिस पता लगाएगी। सूत्रों के अनुसार वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर नवगछिया पुलिस की टीम बेगूसराय, मधेपुरा, भागलपुर छानबीन के लिए जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बकायदा पुलिस की एक टीम का गठन किया जाएगा। मृतक के परिजन से मिली जानकारी के अनुसार अजंत ने अपने बैंकिंग करियर में गुजरात के कई ब्रांचों के अलावा सहरसा, भागलपुर, बेगूसराय में भी कार्य कर चुका था। ऐसे में संभावना है कि हत्या का लिंक किसी भी कार्य क्षेत्र में हो सकता है। वहीं इस बाबत नवगछिया के SP स्वप्ना जी मिश्रा ने कहा कि हत्या के तौर तरीके से स्पष्ट है कि हत्या लूट के लिए नहीं की गई है, बल्कि यह साजिश हत्या है। पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की एक टीम को बेगूसराय भेजने की तैयारी की जा रही है, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के मदतपुर गांव के पास NH31 पर पिकअप वैन में केला लोड कर रहे मजदूरों को अनियंत्रित ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूर मदतपुर निवासी बीरो सिंह 30 वर्षीय एवं गारू सिंह 40 वर्षीय शामिल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल इलाज के लिए लाया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नवगछिया के तिनटेंगा दियारा के सिमरिया गांव में पुलिस छापेमारी के दौरान दर्जन भर अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़।
नौगछिया में रविवार को रंगरा थाना क्षेत्र के तिनटेगा दियारा उत्तर पंचायत अंतर्गत सिमरिया गांव स्थित मकई के खेत में बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ की गई छापेमारी के दौरान दर्जन भर अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नौगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर की गई छापेमारी दल का नेतृत्व नौगछिया डीएसपी दिलीप कुमार स्वयं कर रहे थे। पुलिस छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में हजारों लीटर निर्मित एवं अर्धनिर्मित शराब के साथ साथ शराब बनाने वाली उपकरण को भी बरामद किया गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की घेराबंदी देख शराब माफिया एवं शराब फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर भी समीप के नदी में कूदकर भाग निकले। पुलिस छापेमारी एवं भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री के भंडाफोड़ से शराब माफियों के बीच हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 100 की संख्या में खाली प्लास्टिक गैलन, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर, शक्कर का खाली टीन, 2 क्विंटल महुआ, प्लास्टिक बाल्टी, प्लास्टिक जार आदि बरामद किया है। वहीं छापेमारी दल में इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, इंस्पेक्टर भारत भूषण, रंगरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार राम, सहायक अवर निरीक्षक हरेंद्र राम, राधे श्याम सिंह, एक्साइज विभाग के सब इंस्पेक्टर धनश्री बाला, नीतीश कुमार के अलावे आधे दर्जन सैफ जवान के साथ साथ लगभग 2 दर्जन पुलिस बल शामिल थे। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीएमएलए निशुल्क नामांकन, एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225 6905 या रजिस्टर करें msdwtbihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नौगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा।